माय लॉर्ड, आप जरा इस अखबार को ध्यान से देखिए, कई सारे एमपी पार्लियामेंट में किस तरह बहस करने के साथ साथ एक दूसरे को कुर्सी से वार कर रहे हैं, यह बात सन 1998 की है योर ऑनर। तुगलक रोड में जिस विक्रम जडेजा का कत्ल हुआ था और वो उन करोड़ों रुपयों के साथ किसे सांसद के ही घर जा रहा था, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं योर ऑनर, मगर वीवीआईपी देवेंद्र भाटिया के बयान से पता चलता है जडेजा का कत्ल करने के बाद उसके करोड़ों रुपयों को लूटने के इरादे से मिर्जा कासिम आया था योर ऑनर, और उस काम को अंजाम देने के लिए वह भुवनेश्वर तिवारी की कार से गया था योर ऑनर, मगर डीसीपी अलेक्जेंडर ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। सांसदों तक पैसा पहुंचाने के काम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक आदमी कर रहा था माय लॉर्ड, और उस मुजरिम को इस अदालत में पेश करने की आज्ञा चाहूंगा योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। फोन करके भागने की कोशिश करने वाले मिर्जा कासिम से बरामद की गई पेटी को वहां पर खड़ी एक और कार में आपने खुद रखे थे, ऐसा आपने पुलिस में बयान दिया था, क्या ये सच है? जी हाँ। प्लीज नोट योर ऑनर, इस काम के लिए आपको कितने रुपए दिए गए? सर्विस से इस्तीफा देने वाला इंस्पेक्टर सहित और शक के बिना पर गिरफ्तार हुए वो सभी लोग बहुत जल्दी अरबों खरबों कमा लिया है, इस बात की अदालत को खबर हो चुकी है। सारे सबूत और गवाह इस राज्य की बड़ी बड़ी हस्तियों की ओर उंगली उठा रही है, ये दुख की बात है, और इन सब के पीछे मिस्टर भुवनेश्वर त्रिपाठी का ही हाथ है, ये भी अदालत जान चुकी है। इसलिए उनके घर की तलाशी लेने के लिए जांच अधिकारी को पूरा अधिकार दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, केस की अगली सुनवाई के लिए उन्हें अदालत में हाजिर होकर इस अदालत में अपना बयान देने का हुक्म देती है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, हियर इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। योर ऑनर, विक्रम जडेजा ने बैंक से जो करोड़ों रुपए निकाले थे उसे पुलिस ने जैसे मेहरा के घर से बरामद किए, वैसे ही एडवोकेट शरद के घर से भी बरामद किए हैं। हियर इज एन एविडेंस योर ऑनर। ये क्या काम कर रहे थे? अलग सारे जल की फसाद ये कमीना है, जिस तरह मेरे के घर में पैसे रखे थे ठीक उसी तरह मेरे घर में भी इसी कमीने ने पैसे रखा था। मेरी बात सुन, सुपी नॉनसेंस, ये कोर्ट है तुम जानते नहीं? यस मिस्टर डेप्यूटी कमिश्नर, ये कोर्ट है, बच्चों के खेल कूदने का कोई कॉर्पोरेशन प्लेग्राउंड नहीं है। यो ब्लडी शरत। सी माय लॉर्ड, अभी आपने जो यहाँ पर देखा उसके लिए ना ही किसी एविडेंस की या विटनेस की जरूरत है, इसी वक्त आप फैसला कीजिए। गुंडों की तरह पेश आना बहुत बड़ा अपराध है। आईपीसी 186 के तहत भरी अदालत में एक सरकारी कर्मचारी को, ना ही इसने उसे जान से मारने की कोशिश की बल्कि न्यायपालिका का भी अपमान किया है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि एडवोकेट शरद को अरेस्ट करने का हुक्म दे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर डीसीपी, अरेस्ट हिम। इस तरह घूर के डराओ मत, हमारे देश की सभी अदालतों की अपनी आवाज से थर्राने वाले एडवोकेट मिस्टर शरद चंद्र की आवाज हमेशा हमेशा के लिए दबा दी गई है, ये मत बोलना तुम। अब इस कोर्ट को उतार के रख दो मिस्टर शरद, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। यू आर मिस्टेकन, आज के बाद से मुझे इस काले कोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता कि मुझे इस कोर्ट से कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सिर्फ एक कोर्ट पर भरोसा करता हूं और वो है मेरा जमीर। अपने मौके से कहना कि मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए।
शोर मत करो, गो, कम ऑन मूव।